सो हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी. बट उन्होंने कहा था एक रात में सरकार बदलेगी और अच्छे दिन आएंगे. आखिरी में आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे, जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी कमियां होती है उनमें हमारी जो करेंसी है खासतौर पर वो भी मायने रखती है. जो चेंजेस आए हैं, जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया है, आपका कोई रिएक्शन? कल हम सब ऐसे थे क्या हो गया, बिकॉज हमारे पास चेंज कल में नहीं था. थी एटीएम के आगे लाइन लाइन एब्सोल्युटली. बट ये बहुत अच्छी बात हुई है, ब्लैक मनी इससे हमारा पूरा देश का बाहर आएगा. सो हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी. बट उन्होंने कहा था एक रात में सरकार बदलेगी और अच्छे दिन आएंगे. बस एक भी 100 की नोट नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 500 और 1000 पड़े और अब वो बैंक में जमा करवाने जाना है. सच में ऐसा होना चाहिए था और एकदम से होना चाहिए था, बिकॉज लोग प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को. टाइम नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है कि लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं आपकी बात. कौन पैनिक करता है? जिनके पास आम जनता पैनिक नहीं करती, जिनके पास काला धन होगा वो पैनिक कर रहे होंगे. कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जो भी चाहने वाले फैंस से? यही कहेंगे फैंस को और सारे लोगों को कि जो भी चेंज आया है विश्वास रखिए. एब्सोल्युटली करेक्ट, जो भी चेंज आया है उसमें बिलीव रखिए. आज एक हफ्ता बुरा लगेगा कि 500 का नोट है आपके पास, बट उसको प्लीज बैंक में डिपॉजिट कराइए एंड द चेंज इज फॉर गुड. और ये एक अच्छे कॉज के लिए ही चेंज आया है. काला धन बाहर आएगा जिससे ब्लैक मनी जो भी रख रखा है अपने ब्लैक मनी वो बाहर डिपॉजिट कीजिए जाके. या यस, मैं जिज्ञासा जो कह रही है अग्री करती हूँ. गवर्नमेंट ने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है और ये बहुत अच्छा हो कि उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया रिएक्ट करने के लिए. बहुत फास्ट एक्शंस लिए गए हैं. हमें टोल पे भी रोका गया था, वापस भेजा जा रहा था कि 100 की नोट दो. तो डोंट वरी, ये हमारे बस कुछ दिन की मुश्किल है. उसके बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी जैसे थी और आई थिंक चीज़ें और बेटर हो जाएगी.